नीचे आपका कर लो। सुन, ये क्या बना है? एकदम बेस्वाद खाना। तेरी शक्ल अच्छी नहीं है, कम से कम खाना तो ढंग का बना लिया कर। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? खाना तो अच्छा ही बना है। चुप कर! एक तो खाना ऐसा बनाया, ऊपर से जबान लड़ा रही है। पर खाना तो ठीक। बोला ना तुझसे, जबान मत लड़ाया कर। आपसे बाद में बात करती हूँ। आप आ गए? किससे बात कर रही थी? मम्मी से बात कर रही थी बस। शिकायत लगा रही थी क्या मेरी? नहीं, वो मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो बस हाल चाल पूछ रही थी। हर चीज का जवाब है ना तेरे पास, हर चीज का। मुझे ना बकवास सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी जा और मेरे लिए खाना बना, समझी? चल निकल। आप जल्दी आ गए। क्यों? ये तेरे बाप का घर है, जो परमिशन लेके आना पड़ेगा। नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। कहाँ गई थी? नहीं, यार से मिलके आ रही है क्या? क्या बकवास कर रहे हो आप? मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, उनसे मिलने गई थी। मैं बकवास कर रहा हूँ? मैं बकवास कर रहा हूँ? साली बहुत जबान चलने लगी है तेरी, आज मैं तुझे दिखाता हूँ। चल। से तेरा फोन पे बात करना और बाहर जाना दोनों बंद। ठीक है, नहीं जाऊंगी। पर जो तूने बदतमीजी करी ना, उसके लिए तुझे एक तोहफा दूंगा। नहीं, नहीं, मत मारो प्लीज। मैं यार समझ के आ गया, तेरी शक्ल अच्छी नहीं है, कम से कम खाना तो ढंग का बना लिया कर। क्या कर रही है? कुछ भी नहीं। मेरे लिए ना चिकन टिक्का बना दे, और वो भी सिर्फ 5 मिनट में। 5 मिनट में? 5 मिनट में चिकन टिक्का कैसे बनेगा? पता है ना तुझे कि अगर नहीं बना तो फिर क्या होता है तेरे साथ? 5 मिनट कैसे बनेगा? बस बहुत हुआ, मैं तंग आ चुकी हूँ रोज रोज की मारपीट से। मनीष, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, बीवी, लेकिन तुम मुझे कैसे ट्रीट करते हो? मैंने तुम्हारे लिए अपनी जॉब छोड़ी ताकि इस घर को मैं घर बना सकूं, इस घर को संभाल सकूं। तुम्हारे लिए मैंने अपने दोस्तों से मिलना छोड़ा क्योंकि तुम्हें पसंद नहीं है। अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाना छोड़ा क्योंकि तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी इज्जत नहीं करते हैं। मैंने एक अच्छी बीवी बनने की पूरी कोशिश, लेकिन तुमने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ टॉर्चर। लेकिन बस अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, तो तुम्हें छोड़कर जा रही हूं। बड़ी हिम्मत आ गई तुझमें। और सुन, यहां से जाने नहीं दूंगा तुझे, समझी? मैं जाकर रहूंगी और तुम मुझे रोक भी नहीं पाओगे। अच्छा ठीक है, मैं भी अम्मी।
पुलिस अब अपनी बीवी पर हाथ उठाता है। देखिए ये मेरी वाइफ है और ये हमारा पर्सनल मैटर है, आप जाइए यहाँ से। बेटा ये पर्सनल मैटर नहीं, कानून का मैटर है। मैडम ने कंप्लेंट की है। कंप्लेंट? अच्छा तो तूने मुझे फंसाया है। ए, बहस करता है माई। माई प्लीज मुझे माफ कर दो। माई प्लीज आज के बाद में कभी तुम पे हाथ नहीं उठाऊंगा। माई प्लीज मुझे माफ कर दो। माई नहीं मनीष नहीं, मैंने बहुत कोशिश की कि सब ठीक हो जाए, सब अच्छा हो जाए, लेकिन तुम नहीं बदले, तुम नहीं समझे मेरी बात। सर प्लीज इनको लेकर जाइए यहां से। माई 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 प्लीज एक चांस। माई प्लीज स्टैंड अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ वायलेंस, चाहे वो आपके साथ हो, आपके किसी जानने वाले के साथ, या फिर आपके सामने किसी के साथ हो रहा हो। बिकॉज नॉट ओनली योर सेफ्टी बट एज ह्यूमंस अदर पीपल्स सेफ्टी इज ऑल्सो इन योर हैंड्स। So always be aware. I'll see you guys on Thursday. हम ऐसी अवेयरनेस सेशंस बनाते रहेंगे और अगर आपके साथ कभी कोई स्कैम हुआ है या आप किसी को जानते हैं जिसके साथ स्कैम हुआ हो तो आप ये स्कैम सेवियर्स नाम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस ग्रुप में स्कैम्स के बारे में पोस्ट कर सकते हैं ताकि और भी लोगों को उस स्कैम के बारे में पता चल सके। सो सी यू इन द ग्रुप। थैंक यू।